परमेश्वर यीशु को मरे में से जिलाते। सैनिक नाउन के जरिया से यीशु को क्रूस पे चढ़ा देने के बाद यहूदी अगुआ नाउन ने पिलातुस से कहिन, हु झूठे यीशु ने कहे होतीस की हु तीन दिन के बाद मरे हुए में से जी उठे। कोई को यो देखन के गुना कबर की पहरेदारी करनो पड़े कि ओके चेला नाउन ओके लाश को चोर के नी ले जा सके। अगर ही लोग असो करतत तो ही कहत कि हु मरे में से जिंदो भय गईस है। पिलातुस ने कहिस, कई सैनिक नाउन को ले जाओ और जसो तुम कर सकता व सोच कबर की पहरेदारी करो। एके गुना हुन ने हु कबर के दरवाजा पे गोटा के झाकन की एक मोहर लगाए के बंद कर दे। हुन ने या बात को पक्को करन के गुना वहां पे सैनिक नाउन को बैठार दे कि कोई भी ओकी लाश को चुरा नहीं सके। यीशु के मरण के बाद को दिन सबत को दिन होतीस। कोई भी मानुष सबत के दिन काम नहीं कर सकत होतीन। एके गुना यीशु को कोई भी संगी कबर पे नहीं आए होतीस। पर सबत के बाद के दिन सवेरे पहिटिया को कई बाई नाउन यीशु की कबर पे जान के गुना तैयार भईन। ही ओके शरीर पे और भी मसाला को लगानो चाहत होतीन। हुन बाई नाउन के पहुंचन से पहले कबर पे एक बड़ो हुईडोल भईस। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत ने आए के हु गोटा को झाकन हटा देस जो कबर के दरवाजा पे झाको गयो होतीस और हु ओके पे बैठ गईस। यो स्वर्गदूत उजारो के सार को चमकत होतीस। कबर पे जो सैनिक होतीन हुन्ने ओको देखिन। ही लोग इतनो डर गईन कि मरे हुए के सार के जमीन पे गिर गईन। जब ही बाई नाउन कबर पे पहुंचीन तो हु स्वर्गदूत ने उनके से कही, मत डरो यीशु यहाँ पे निया हु मरे हुओ में से जिंदो भय गईस है। जसो कि उन्हें कहे होतीस कि हु जी उठे कबर में ढूंढो और देखो। ही बाई नाउन ने कबर के अंदर और जहाँ यीशु की लाश रखे होतीन वहाँ पे देखीन और वहाँ पे ओ की लाश नहीं होती। फिर हु स्वर्गदूत ने ही बाई नाउन से कहिस, जाय के ओके चेला नाउन को बताओ कि यीशु मरे हुए में से जिंदो भय गईस है और हु तुम्हारे सामूर गलील को जाए। ही बाई नाउन बहुत चकित भईन और बहुत खुश भईन। ही चेला नाउन को या खुश खबर सुनान के गुना धावत गईन। जब ही बाई नाउन चेला नाउन को या खुश खबर सुनान के गुना अपने रास्ता पे होतीन तो यीशु हुनके पे प्रगट भईस। ही ओके पाए पे गिर पड़ीन। तब यीशु ने कहिस, मत डरो जाय के मोरे चेला नाउन को गलील देश जान को कहो। ही लोग वहां पे मोको देखेत।